चिंता कर पवन दूत का अयोध्या के उपाध्याय हरि होगा हिंदू पढ़ाई के बाद तीसरा ब्रह्मण का पद भी किया पवन दूत का शिक्षक का संस्कृत साहित्य के मेघ दूत हर्ष दूत आदि की प्रणाली पर आधारित हरि और विधि ने अपने प्रिय प्रभाव में विरोधी राजा के पवन को दूती बनाकर उनके पास अपना संदेश दिखाया है। कभी द्वारा चित्रित राधा के दीरा काकरा रूप से कहीं बनकर पर काकरा और विशेष देखने को गया है। लोग उनका राधा की भावनाएं तथा उनके चरित्र को यहाँ गंभीरता प्रदान की गई है। इसमें कृष्ण के दृष्टिमत्ता चले जाने पर कृष्ण के योग में दुखी होकर के वियोगिनी राधा अपने प्रीतम कृष्ण के पास पवन को दुखी बना करके अपना संदेश भिजवाई है। उसी का एक वर्णन किया गया है। वियोगिनी राधा पवन दूती से कहती है अपने प्रीतम कृष्ण के पास मथुरा जाने के लिए और अपना संदेश पवन के माध्यम से भिजवा रही है। वियोगिनी राधा पवन दूती से कहती है कि मेरे प्यारे नव जन्म से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और भेजा संदेशा मैं लोगों के पीड़ा से बावली हो रही हूँ जाके उनकी सब कथा या उनको सुना दे। योगिनी राजा कहते हैं कि हे पवन मेरे प्यारे माने मेरे प्रीतम श्री कृष्ण से मेरे प्यारे मतलब मेरे प्रीतम श्री कृष्ण नव जन्म से नवी बालक के सामने अरे तो मेरे प्यारे मतलब मेरे प्रीतम श्री कृष्ण नव जन्म मतलब नवी बालक के समान सामने कल जैसे नेत्र वाले कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रीतम श्री कृष्ण नवी बालक के समान सामने और कमल के समान नेत्र वाले जाके आए मधुबन से मेरे प्रीतम श्री कृष्ण मधुबन से न आए मैंने जाकर के मथुरा से पूरा नहीं आए जाके आए न मधुबन से जो मेरे प्रीतम श्री कृष्ण है जाकर के मथुरा से नहीं आए और न भेजा सुनता और न मेरे लिए कोई समाचार देता मैं रोके प्रिय जाते योगिनी राधा कहती है मैं रोकर के अपने प्रीतम के जीवन से बावली होने को पागल हूँ मैं रोके अपने प्रीतम कृष्ण के बिना दो दिनों में बावली होने को पागल हूँ जाके मेरी सब कथा से हमको सुना दे कौन जाकर के बंदा मेरी सब कष्टों की कहानी मेरे प्रीतम कृष्ण को तुम सुना देना। अब आगे का निर्णय योगिनी राधा पवन से कि जो ही मेरा भवन तक तुम अल्प आगे बढ़ेगी जैसे ही मेरे मार्ग को छोड़ करके अल्प आगे बढ़ेगी थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ेगी। योगिनी राधा पवन से कहती कि पवन जो ही मेरा भवन तक जैसे ही मेरे मार्ग को छोड़ करके तुम अल्प आगे बढ़ेगी तुम थोड़ा सा आगे बढ़ेगी शोभा वाली सुंदरता वाली सुखद सुखदेने वाली शोभा वाली सुंदरता वाली सुखद सुखदेने वाली इतनी मनुष्य मिलेंगी इतनी सुंदर सुंदर लताएं मिलेंगी जैसे ही मेरे मार्ग को छोड़ करके तुम कुछ आगे बढ़ेगी सुंदरता वाली और सुखदेने वाली इतनी सुंदर सुंदर लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया जो उनकी अच्छी छाया लताओं की जो प्यारी छाया जो अच्छी छाया है मृदुल तरने अपने कोमल पर से अपने कोमल आवाज से मोह लेंगे तुझे वह अपने में आकर्षित कर देंगे। प्यारी छाया जो लताओं की सुंदर छाया है मृदुल पर से अपने कोमल आवाज से मोह लेंगे तुझे वह आकर्षित कर देंगे। तो भी एक और मेरे कट को लेकर के वहाँ जाकर विश्राम लेना वहाँ लताओं में जाकर के विश्राम में लेना आनंद करना। योगिनी राधा कौन से कहती है कि प्यारी छाया जो लताओं की अच्छी छाया होगी मृदु स्वर से अपने कोमल स्वर से कोमल आवाज से मोह लेंगी तुझे तुझे वह आकर्षित कर देंगे बनकर। तो भी मेरा सुंदर तो मेरे कट को देख करके वहाँ जा वहाँ मन वहाँ लताओं में जा करके मैं विश्राम लेना बता रहा हूँ। थोड़ा आगे जब थोड़ा कुछ आगे जाओगी पर ब्रह्म का मधुर घर वाला थोड़ा आगे
जब मेरे मन से सोला अर्जुन चाहती जाओगी पर ब्रह्म का हमारे उद्भव का धाम बन जाएगा तत्व वाला वर्णित फल वाला होगा। अच्छे अच्छे बहुत वहाँ अच्छे अच्छे बहुत पिछों के लतावान पर्वतानी और लताएं को माताजी होगी। अच्छे अच्छे बहुत वहाँ अच्छे अच्छे बहुत पिछों के लतावान पर्वतानी लताएं को है को माताजी होगी। प्यारा वृंदावन प्यारा वृंदावन मिलेगा जब मथुरा में जाऊंगी तो रास्ते में जाते समय प्यारा वृंदावन प्यारा वृंदावन मिलेगा। मन को निकाल मिलेगा मन को मनोरोह कर देने वाला मिलेगा। आना जाना इस दिन पे इस दिन पे वृंदावन पे आना और जाना मेहमाना रहना वहाँ बहुत मना प्यारा वृंदावन प्यारा वृंदावन मिलेगा। अच्छा वृंदावन मिलेगा मन को निकाल मिलेगा मन को मनोरोह कर देने वाला मिलेगा। आना जाना इस दिन पे इस दिन माने वृंदावन पे आना और जाना मेहमाना रहना वहां मोहित मत है। लेकिन फिर देवगनी राजा पवन से कहती है कि हे पवन अपने प्रीतम कृष्ण की पहचान बता दी कि तुम कहते जानो कि मेरे प्रीतम कृष्ण कौन होते हैं। वो अपने प्रीतम कृष्ण की पहचान बताती थी देवगनी राजा पवन से कहती है जब मथुरा में जाओगी तो मेरे प्रीतम कहते हैं मेरे प्रीतम कृष्ण कहते हैं अपने प्रीतम कृष्ण की पहचान बताती थी देवगनी राजा पवन से कहती है ये पवन मेरे प्यारे जो मेरे प्रीतम कृष्ण है नवजन से नवीन बालक के समान अर्थात कमले आकर लेते मित्र वाले और कमल के समान रहने वाले जो मेरे प्रीतम कृष्ण है नवीन बालक के समान कमले और कमल के समान रहने वाले जाति आए मन मन बंद मतलब मथुरा से जा करके नहीं जाए और न भेजा कर लेता और मेरे लिए कोई कहा जा रहा मैं अपने प्रीतम कृष्ण के जीवों में रो रो करके बावली भरी में पा गई हूँ जाति मूली तब की कथा हे पवन जा करके कृष्ण के पास मिली तब की कथा तब मेरी बहनों की कहानी या हमको सुना दे यह तुमको सुना दे जो ही मेरा भवन तत्व जैसे ही मेरे भवन को छोड़ करके आज त्याग करेगी थोड़ा आगे बढ़ेगी थोड़ा आगे जाएगी शोभा वाली सुंदरता वाली सुखद सुखने वाली सुंदरता वाली और सुखने वाली कितनी मनुष्य मिलेगी कितनी सुंदर सुंदर लताएं मिलेंगी प्यारी छाया लताओं की तो अच्छी छाया है मृदु स्वर से अपने कोमल आवाज से वो मनुष्य तुझे भी अपन पर आकर्षित कर देंगे तो भी मेरा शिकर तो मेरे कष्ट को देख करके वहाँ जा वहाँ लताओं में जा करके न विश्राम लेना मत आराम थोड़ा आगे जब तुम मेरे मन को छोड़ के थोड़ा आगे शादी जाओगी स्वर भरव का धाम मधुर आवाज वाला भजन देगा तत्पुष वाला सुगंधित फूलों वाला होगा। अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे बहुत पिछोगे लतावान पर्वतानी लताएं को वातावरण होगी। प्यारा वृंदावन प्यारा वृंदावन मिलेगा मन को मनोधिकारी मिलेगा मन को मनोमोहित कर देने वाला मिलेगा। आना जाना है इस वृंदावन में आना और जाना मेहमाना रहना वहाँ मोहित।